हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेपर वन का आपका एग्ज़ाम का जो है रिजल्ट आने वाला है और क्या होगी उसकी कट ऑफ। नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने कम मार्क्स वालों को भी जो है होप रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबी वैकेंसी है और काफ़ी बड़ी भर्ती मानी जाती है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। और एमटीएस जो है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो सीजीएल के हों, चाहे सीएचएसएल वाले हों, जितनी भी तैयारी करने वाले लोग हैं, सभी लोग जो है एमटीएस के एग्ज़ाम में बैठते हैं और इसकी कट ऑफ जो है ऑब्वियसली हाई जाती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मिनिमम कट ऑफ कितनी होगी कि ताकि जो बाकी हमारे जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो काफ़ी हमें मैसेज करते हैं कि सर टोटल ओवरऑल कितनी जा सकती है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है तो उसकी नोटिफिकेशन से लेके उसके फाइनल रिजल्ट तक हम पूरी अपडेट आपको स्मार्ट न्यूज चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों, आपके लिए स्टडी मटेरियल भी हम यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं, वो भी फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको बस करना होगा हमें कमेंट सेक्शन में जाके कि सर मेरा ये स्टडी है और आप मुझे इसका स्टडी मटेरियल दे दीजिए। बस दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एसएससी एमटीएस 2009, जी हाँ दोस्तों 2019 एग्जाम पेपर वन। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे, 38 लाख। जी हाँ दोस्तों, 38.58 लाख टोटल कैंडिडेट हैं, यानी 39 लाख समझ लीजिए आप। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम, जी हाँ दोस्तों, हमेशा ऐसा होता है कि फॉर्म जितना भरा जाता है उससे 50% लोग तो सिर्फ अब्सेंट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जोश में आके फॉर्म भरते हैं। और क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि 50% लोगों की अब्सेंटी, इसका मतलब ये है कि नाम मात्र के लिए या तो कोई प्रेशर में फॉर्म भरता है, या फिर कोई फैमिली की वजह से भरता है, या कोई फ्रेंड्स की वजह से भरता है, या फिर कोई बस ऐसे ही भर देता है कि बस टाइम पास नहीं हो रहा है तो फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम देने के बहाने कहीं घूमने को मिलेगा। तो इस प्रकार के जो फॉर्म्स भरे जाते हैं, आप देख सकते हैं उसका कितना नुकसान होता है कि 19% सिर्फ जो है, देख लीजिए 49% जो है सिर्फ अब्सेंट थे टोटल, और 38 लाख में से सिर्फ 19 लाख लोग, यानी आधे 8 लाख लोग ये सिर्फ प्रेजेंट थे एग्ज़ाम के लिए। ओवरऑल परसेंटेज फॉर अटेंडेंस देख लीजिए 49.73, यानी 50% से भी कम थे। तो दोस्तों ये है नंबर ऑफ शिफ्ट, 39 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। जी हाँ दोस्तों, 39th बहुत ही ज़्यादा हुआ। नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन वेन्यूज थे 337 और नंबर ऑफ सिटीज़ इन विच एग्ज़ाम कंडक्टेड 146, यानी कि 337 सेंटर्स पर जो आपका जो था वेन्यूज़ था आपका, और उसमें जो कितने शहर थे वो 146 शहर में आपका जो है एग्ज़ाम हुआ। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जो है ये वैकेंसी है और कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब देख लीजिए यहाँ पे, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी गई हुई है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एसएससी एमटीएस 2019 पेपर वन जर्नल वालों के लिए है 65 से 75 एक्सपेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, ये है 100 मार्क्स में से। मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन भी बताने वाला हूँ लास्ट ईयर का, तो जो अभी का है दोस्तों पापा को पता होगा कि आपको कि अब जो है 100 मार्क्स का है और इसकी पिछले बार कितना था, 150 था। जी हाँ दोस्तों, यानी पेपर पैटर्न में भी बदलाव हो चुका है, तो कट ऑफ में भी ऑब्वियसली बदलाव होगा। और ये जो है एक्सपेक्टेड है, आप इसको जाके फाइनल मत समझिए, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव जो है होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अनुमानित लगाया जाता है पिछले 2-4 सालों के पेपर्स को मिला के, उनके कट ऑफ्स को एनालिसिस करके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के प्रेजेंटी को मिला के। तो आपने देख लिया ये 100 मार्क्स में है, तो 100 मार्क्स में देख लीजिए आपका 65 से 75 के बीच में अगर आप हैं, और ऊपर नीचे 5, जी हाँ दोस्तों +5 या -5 आप ये कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा होता है दोस्तों कि ऊपर नीचे कट ऑफ जाती है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 65 के आसपास में भी हैं दोस्तों, तो आप 100% श्योर हैं आप टायर 2 में जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एससी। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो देखिए वहाँ पे आपको 60 से 70 दिया हुआ है, यानी कि 60 नंबर तक भी अगर आपका मार्क्स आ रहा है 100 में से, तो आप डेफिनेटली दोस्तों सेकेंड टायर के लिए बैठेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। तो आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट हैं जो एससी से बिलोंग करते हैं, अगर वो 55+ में भी हैं तो उनके पास ये होप है कि वो जो है टायर 2 में जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना भी बाकी है। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो है आपको मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आप जो है सरकार ने अपना ली है, वो सभी को जो है नॉर्मलाइजेशन करके दिया जाएगा, क्योंकि 2 से 3 शिफ्ट के बाद जो है यहाँ पर 39 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो ऑब्वियसली पेपर के जो लेवल्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और ये होंगे ही दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बैंक धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, और जो पेपर सेट होता है वो फिर उसका लेवल हार्ड में चला जाता है, और समटाइम्स जो है स्टार्टिंग के ईजी रहते हैं। इसलिए आपका नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो है 55 के आसपास भी अगर आप हैं तो भी दोस्तों एससी में आपका फुल चांस है। बात करें एसटी की, तो एसटी में देखिए यहाँ पे 50 से 60 एक मार्क्स दिया हुआ है, एक एवरेज है। जी हाँ दोस्तों, 50 से 60 यानी 10 मार्क्स के बीच में आप जो भी हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 45 भी हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद,
जी हाँ दोस्तों, अगर आप 45 अगर आपका है तो भी देख समझ लीजिए कि आप 50 में पहुंच जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको 4 से 5 नंबर डेफिनेटली मिलने वाला है। तो 50 से 60 के बीच में आपके मार्क्स हैं, यानी 50 अगर आपने क्रॉस कर लिया है एसटी कैटेगरी में है, तो आप जो है डेफिनेटली टायर 2 के लिए बैठने वाले हैं। अब बात करें ओबीसी की, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है कंपटीशन ओबीसी में आजकल बढ़ चुका है। तो 60 से 70 देख लीजिए, यहाँ पे 60 से 70 एससी और ओबीसी लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होती है और एससी में कम होती है। तो यहाँ पे 60 से 70 अगर आप ओबीसी में भी हैं तो भी दोस्तों आपके लिए फुल चांस है, जो आप सेकेंड टायर के लिए बैठेंगे। तो अपनी होप मत छोड़िएगा दोस्तों, 5 नंबर 4 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि आप जो है अगर 55 के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर 55 क्रॉस कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आप टायर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि 38 लाख लोग जो है फॉर्म भरते हैं, उसमें से 19 लाख लोग सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं, प्रेजेंटिंग जो है उसका परसेंटेज 49 है, यानी कि यहाँ पर भी टायर 2 में भी सेम वही होने वाला दोस्तों। आपको ये मत सोचिए कि जितने लोग पास हुए हैं, जितने लोग को बुलाया जाएगा, उनमें से पूरी की पूरी प्रेजेंट 100% होगी, बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहां पर भी ऐसे बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी जो है दूसरा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, इसलिए एमटीएस के टायर 1 में बैठे हैं, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल, जो एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो बच्चे भी एमटीएस का एग्जाम देते हैं, इसलिए कि उनकी कितनी ज्यादा तैयारी हो चुकी वो सिर्फ देखने के लिए। तो यहां पर भी जो है परसेंटेज है वो भी माइनस होगा आपको, ऑब्वियसली। आप ये मत सोचिए कि जितने बच्चे पास हुए सबके सब जो है बैठेंगे टायर 2 में, भले उनको बुलावा पत्र भेजा जाए लेकिन वो एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि उनका करियर कुछ और रहता है, गोल कुछ और रहता है। इसलिए दोस्तों आपको ओवरऑल जो है आपका परसेंटेज ऑब्वियसली कम जाएगा, आप इसमें चिंता ना कीजिए। बात करें फिजिकल हैंडीकैप में भी, तो देखिए एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पे 30 से 40 के बीच में अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है तो ऑब्वियसली आपका आराम से यहाँ पे हो जाएगा। सबसे कम कट ऑफ देख लीजिए 30 से 40 के बीच में है, वो है एक्स सर्विसमैन के लिए। ओएच के लिए देख लीजिए यहाँ पे 60 से 70 है, वीएच के लिए जो है 50 से 60 के बीच में, और एचएच के लिए 30 से 40। तो ये दोनों कट ऑफ बहुत ही कम है, तो ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए और ये एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स एसएससी एमटीएस की, तो आप देख सकते हैं 2017 का तो कैटेगरी जो है यहाँ पे देख लीजिए टोटल आउट ऑफ जो है वो है आपका 150 में से, जी हाँ दोस्तों 150 मार्क्स का हुआ था और अब जो है 100 मार्क्स का हुआ था। तो अब जनरल के लिए देख लीजिए टोटल जो था कट ऑफ गई थी वो 110 गई थी, और वहाँ पर आपको जो टोटल कैंडिडेट अवेलेबल थे वो थे 88,487, यानी 83,427। एससी कट ऑफ देख लीजिए यहाँ पे 10 मार्क्स का डिफरेंस है, यहाँ पे 100 गई थी कट ऑफ और आपके लिए जो कैंडिडेट टोटल अवेलेबल थे वहाँ पे एससी के 12,210। एसटी की बात करें तो वहाँ पे 87 गई थी 2017 में, और यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट बचे थे उनके पास 10,928। ओबीसी की बात करें तो 101 कट ऑफ गई थी, देख लीजिए एससी की कट ऑफ और ओबीसी कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली आसपास में ही रहती है, एक नंबर का सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है, और यहाँ पे गई थी कट ऑफ जो है 45,420। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 49 कट ऑफ गई थी, यानी कि बहुत ही कम थी दोस्तों, 2704 जो है एक्स सर्विसमैन में थे। ओएच में 93 था टोटल 2386, वीएच के लिए 76 है 1191, एचएच के लिए 49.50 गई थी जिसमें 916 कैंडिडेट थे, और टोटल कैंडिडेट जो थे वो थे 159,182। तो दोस्तों ये रही कट ऑफ जो मैंने आपको बताया, और पुरानी कट ऑफ और नई कट ऑफ, तो आपको कितने होप में रखना है आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बट अगर कुछ डाउट्स अगर लगता है आपको पूछना है हमसे, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी सारी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर उसका आंसर दे देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ही लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये होप रहे कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे अभी टायर की जो है तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो टायर 1 का एग्ज़ाम देते हैं और काफ़ी लोगों के जो है वीडियोज़ देखते हैं या फिर लोगों के शेयर्स चेक करते हैं कि सर नहीं मेरा इतना नहीं आ रहेगा, आपका इतना आ रहा है इतना ही होगा, तो वो क्या करते हैं सेकंड टायर की तैयारी छोड़ देते हैं। और इनफैक्ट ऐसा होता है कि जब उनका सेकंड टायर का लेटर आता है तब वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी तैयारी उन्होंने छोड़ दिया बीच में, उन्होंने अपनी वो होप छोड़ दी, वो अपना लगन छोड़ दिया, फिर वो टायर 2 में फेल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जितना भी आपका मार्क्स आया आप देख लीजिए अप्रॉक्सीमेटली इतने मार्क्स के बीच में, तो अपना होप बिल्कुल मत छोड़िए और टायर 2 की तैयारी में लगे रहे, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता दोस्तों आप रेस में हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ।